ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटकर है। जापान की राजकुमारी ने शाही दर्जा छीन लिए जाने के डर की वजह से एक बार फिर अपनी शादी को टाल दिया है। करीब 7 साल से अपने प्रेमी से शादी का इंतजार कर रही जापान की राजकुमारी माको को वहां के नियम की वजह से एक बार फिर से शादी टालनी पड़ी। दरअसल जापान के नियम और शाही परिवार की परंपरा के मुताबिक अगर राजकुमारी माको किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करती हैं तो उन्हें अपनी राजकुमारी का स्टेटस त्यागना होगा और उन्हें वहां आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी होगी। इसी डर की वजह से राजकुमारी ने एक बार फिर अपने प्रेमी से शादी को कुछ दिन के लिए टाल दिया। प्रिंसेस माको ने ऐलान किया कि वो अपनी शादी को एक बार फिर से टाल रही हैं। 28 साल की राजकुमारी ने इससे पहले साल 2017 में भी अपनी शादी टाल दी थी। इसके बाद राजकुमारी माको आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चली गई थी। दूसरी अनोखी खबर भी विदेश से ही है। फिलीपींस में 48 साल के एक शख्स ने 13 साल की लड़की से शादी की है। अब्दुल रजाक की ये 5वीं शादी है। इस शख्स ने कहा कि उसे एक कम उम्र की लड़की से शादी करने पर कोई परेशानी नहीं है। अब्दुल ने कहा कि वो शादी करके खुश हैं और वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं। इस शख्स का कहना है कि जब ये बच्ची 20 साल की हो जाएगी तब वो इसके साथ बच्चा पैदा करने का प्लान बनाएंगे। वो इस बच्ची को स्कूल भी भेजेंगे और फिर घर आकर उसे बाकी बच्चों की देखभाल करनी होगी। 42 साल की फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर निधि परमार हीरानंदानी ने लॉकडाउन के दौरान करीब 42 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर चुकी है। कुछ समय पहले ही निधि ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास काफी ब्रेस्ट मिल्क स्टोर्ड है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कई तरह के सुझाव दिए, लेकिन कोई भी सुझाव उन्हें पसंद नहीं आया और आखिरकार उन्होंने अपने ब्रेस्ट मिल्क को डोनेट करने का फैसला लिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।